खबर है मुंगेली से, जहां पर भाइयों ने की दो सगे भाइयों की हत्या, ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या का आरोप है। जमीन बंटवारे को लेकर एक विवाद चल रहा था, पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। फास्टरपुर थाने के बुधवारा गांव का ये मामला है, जहां पर दो परिवारों के बीच में झगड़ा था, दो सगे भाइयों की हत्या की है और दो भाइयों ने ही हत्या की है। जमीनी विवाद ये बताया जा रहा है, जमीन को लेकर ये हत्या की गई, दो परिवारों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, दो सगे भाइयों की हत्या कर दी ट्रैक्टर से कुचलकर मुंगेली में। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंगेली में दो सगे भाइयों ने दो दूसरे सगे भाइयों की हत्या कर दी ट्रैक्टर से कुचलकर, जमीन के बंटवारे को लेकर ये विवाद चल रहा था, काफी वक्त से बताया जा रहा है ये विवाद था। अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या का आरोप दो भाइयों पर लगा है। जमीन विवाद था, जमीन बंटवारे को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कल इसमें दो पक्ष में बटे हुए थे सभी लड़के। इसमें खेत से काम करके भागबली, वकील और कौशल ये वापस लौट रहे थे, तो एक माखन पाटले जो आरोपी पक्ष का है उसके घर में अन्य जो आरोपी हैं केजू पाटले, उसकी पत्नी, माखन की पत्नी, ये सभी वहाँ पर पहले से लाठी डंडा लेके हत्या करने की नीयत से छिपे हुए थे। तो जैसे ही भागबली और वकील और कौशल वहाँ पर पहुँचे, लाठी डंडा से उस पर ताबड़तोड़ हमला किए सभी मिलकर, जिससे मौके पे ही ये लोग घायल हो गए। उसी दौरान केजू पाटले ने एक ट्रैक्टर को चालू करके इसमें भागबली के ऊपर और वकील पाटले के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया बार बार, जिससे मौके पे ही भागबली की मृत्यु हो गई। तत्काल मौके से इसमें 9 आरोपी में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको आगे की प्रक्रिया कर इसमें रिमांड में प्रस्तुत किया जाएगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दुर्गा प्रसाद मिर्धा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गा, हम एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्या झगड़ा दोनों परिवारों के बीच में आपस में था। जी देखिए, पूरा मामला मुंगेली जिले का है, जहाँ जमीन विवाद को लेके एक परिवार के सदस्यों के बीच पुरानी रंजिश शुरू हो गई थी, जिसमें 4 भाई, टोटल 7 भाइयों में दो गुटों में बंटवारा हो गया था और जमीन को लेके काफी लंबे समय से खींचा तानी चल रहा था। कल जो है जब खेत गए दो भाई, तो उसी परिवार के बाकी सदस्य उनको मारने की योजना बनाई, जिसको लेकर कई परिवार के बाकी सदस्यों ने दोनों भाइयों को पर जानलेवा हमला कर दिया, लाठी डंडे से मारपीट की और बाद में एक भाई ने उन दोनों भाइयों पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही एक भाई की मौत हो गई और दूसरे की जो इलाज अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही सामने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, बाकी 4 जो फरार बताए जा रहे हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। जी जी दुर्गा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।